से अनुरोध करता हूं कि कृपया यहां पर पार्टिसिपेंट को ऑरेंज व्हाइट एवं ग्रीन टी शर्ट के फॉर्म में के साथ है उन्हें फर्स्ट रो में रहेंगे, बीच में व्हाइट टी शर्ट वाले जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो रहेंगे और अंत में हर हिस्सा ने यहां पर उपस्थित सभी का हार्दिक स्वागत है एवं अभिवादन करता हूं। पुनः में छोड़ना है, आप अपने हाथ में उसे पकड़े रहिए। फिर से एनएसएस के वॉलेंटियर्स और प्रोग्राम ऑफिसर प्रबंध करें। और कलेक्ट्रेट के पास से गोकबार जंक्शन से फिर पाल एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर्स और वॉलेंटियर्स से मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको अरेंज करने का प्रबंध करें। अब हम थोड़ी क्षणों में आज की एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का आगमन हो चुका है, मैं सभी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। साधन है सहयोग हमारा और एकता बल, चल चला चल चल कदम मिलाकर चल, आइए एक साथ में आइए हम एक रहेंगे और इसी संकल्पना के साथ हम इस गुब्बारे को आसमान में छोड़ते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, कदम मिलाकर चल, आइए सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा की हमारी जो भद्र भावना है उसे साकार करने के लिए जिनकी जन्म जयंती को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं पूरे सम्मान के साथ ये दृढ़ संकल्प करें, कृत संकल्प करें कि हम प्रयास करते रहेंगे यही आज के दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी मंचासीन अतिथियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। जिस प्रकार पूरे जोश के लिए उपस्थित हुई है ये इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्र प्रेम वो आज भी सभी में कायम है और यही आने वाले दिनों के लिए सबसे बड़ी ताकत बन के आएगी, क्योंकि एकता के माध्यम से ही हम राष्ट्र विकास में अपना यथा संभव योगदान दे पाएंगे। मंचासीन सभी अतिथियों के द्वारा मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रगान हेतु सावधान की आवाज सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। तो इस प्रकार पुलिस स्टेशन पोस्ट ऑफिस जंक्शन से टूरिज्म के जंक्शन के साथ कलेक्ट्रेट गोकबार जंक्शन से
जिसमें है छुपी उम्मीद सारी तू ना पूछ ना सर ले ले नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, एसएलएफ इंडिया नेशनल न्यूज और सिलवासा न्यूजलाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, इस वक्त रन फॉर यूनिटी का जो यह कार्यक्रम सिलवासा में आयोजित किया गया था, यह प्रशासन के तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर इस चीज में हिस्सा लिया और साथ में तमाम दादरा नगर हवेली के तमाम युवा वर्ग इसमें हिस्सा लिया, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, तमाम लोग, चाहे तमाम जितने भी यहाँ पर कार्यकाल के जितने भी लोग हैं, जितने भी अफसर हैं, तमाम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। आइए और जानते हैं किस तरह से लोगों से, किस तरह से यहाँ के लोगों ने क्या क्या कहा इस प्रोग्राम के लिए और किस तरह से लोगों ने इस चीज को एंजॉय किया। तमाम जो लोग यहाँ पर अभी देखा जा रहा है, युवा वर्ग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, क्या कहना चाहिए आप? बहुत ही अच्छा आयोजन था ये, रन फॉर यूनिटी जिसका नाम दिया गया था, तो बहुत ही सारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया इसमें और हमने ऑलमोस्ट मोर देन 3 किलोमीटर रन लगाई फ्रॉम यहाँ से गायत्री मंदिर से और वापस से पूरा गोल घूमकर गायत्री मंदिर तक सब लोग आए। जी, किस तरह से देखा जाए, जो तमाम अधिकारी और युवा वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिए, क्या कहना चाहिए? यहाँ का जो माहौल है बहुत ही सराहनीय है और मैं चाहूँगी कि इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं, रनिंग इस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पे होते रहने चाहिए और यहाँ पे काफ़ी सारी मात्रा में भीड़ इकट्ठी थी। पूरा सिलवासा कहीं ना कहीं आज इकट्ठा हो गया, पूरा रोड तिरंगे के रूप में प्रदर्शित हो रहा था और कहीं पे देशभक्ति के गाने बज रहे, बहुत ही अच्छा प्रतीत। सर, जिस तरह से आज यहाँ पर लोगों ने एकता की दौड़ लगाई है, क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रीय एकता की दौड़ के लिए? देखिए, आज प्रशासन और पूरे भारतवर्ष में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक सूत्र में जोड़ने का जो काम किया है, आज वही इनका सपना था और उनको चरितार्थ भी किया और आज हमारे ये बच्चे राष्ट्रीय सेवा योजना के टोकरखाड़ा कैंपस से 100 बच्चे तो स्वयंसेवक के रूप में पूरे रूट पे रहे और बाकी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स और राष्ट्रीय स्वयंसेवक एनसीसी के हमारे कैडेट्स इसमें पूरे जोश में हिस्सा लिया है। मैं अभिनंदन करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन का कि राष्ट्रीय सेवा योजना की पूरे एनएसएस सेल को ये मौका दिया कि ये एकता सूत्र में जोड़ने का और जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए, पूरे सिलवासा और सिलवासा के अगल बगल में पूरे सभी जोश के साथ आज दौड़े हैं और हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के ना केवल ये रूट पे रहे लेकिन स्वच्छता के प्रति भी जागरूक रहे। जहाँ भी पानी के बूथ लगाए गए थे वहाँ भी जितना भी लोगों को असुविधा ना हो, तमाम जगह पर नगर पालिका के भी लोग वहाँ पे साथ में थे तो इनके साथ हमारे जो एनएसएस वॉलंटियर्स है, ट्रैफिक जो पुलिस है, इनके साथ भी सुचारू रूप से इनका आयोजन किया। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आने वाले समय में यही यूथ है तो देश में एकता का जो ये जयघोष हो रहा है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे जितने भी प्रोग्राम ऑफिसर हैं इनको अभिनंदन करूंगा कि ये कार्यक्रम में जो प्रशासन ने आदेशित किया था इनमें बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन किया, मैं अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि आप इस चीज़ को, ये स्वयंसेवकों के जो काम है इनको प्रजा के समक्ष रख रहे, वो खूब खूब धन्यवाद। तो ये थे तमाम लोग जिन्होंने बताया कि किस तरह से रन फॉर यूनिटी के लिए सभी ने एकता की दौड़ साथ मिलकर लगाई। कैमरामैन अमित के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा।